5.1 अंतर संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, क्रियाकलाप एक। आप अपने घर या स्कूल के आसपास कोई बगीचे जैसी जगह चुन लें। ध्यान रखें कि जगह ऐसी हो जिसका अवलोकन आप 5 दिनों तक प्रत्येक दिन कम से कम 2 बार सुबह और शाम कर सकें। चयन की गई जगह के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर चौड़े हिस्से को चिन्हांकित कर लें। गौर से अवलोकन करें कि चिन्हांकित हिस्से में क्या कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, मेंढक या अन्य जीव नज़र आ रहा है। नज़र आने वाले जीवों के समूह का नाम लिखकर हर दिन उनकी संख्या अपनी कॉपी में नोट करें। जैसे पौधे 20, चींटियां 28 आदि। एक जीव की गिनती एक बार ही करने का प्रयास करें। मिट्टी को थोड़ा खोदकर भी जीवों को देखें। यदि चिन्हांकित जगह पर कोई पेड़ हो तो उसे भी पौधों के समूह में ही गिनें। अपने अवलोकन के आधार पर लिखें कि क्या आपको चिन्हांकित जगह पर कोई खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल नज़र आया। क्या पूरे बगीचे में कोई खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल नज़र आया। आपके इस इलाके में कौन कौन से जैविक व अजैविक घटक हैं। सुबह और शाम के जैविक व अजैविक घटकों में क्या अंतर है। 5 दिनों तक दिखने वाले हर एक जीव की कुल संख्या से प्रतिदिन के जीवों की औसत संख्या ज्ञात करें। जैसे कुल 50 चींटियां हों तो औसत संख्या है 10। इस संख्या को चुने गए क्षेत्र के क्षेत्रफल से गुणा करने पर उस क्षेत्र में चींटियों की आबादी ज्ञात की जा सकती है। अनुमान से बताएं कि क्या जीवों के लिए वहां पर्याप्त संसाधन हैं। किसी पर्यावरण के छोटे बड़े सभी जीव जंतु भोजन, प्रजनन और सुरक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर और निर्जीव घटकों पर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण और जीवों के बीच की इस निर्भरता का अध्ययन हम इन 2 आधारों पर कर सकते हैं। पहला, सजीव घटकों के बीच निर्भरता, विभिन्न प्राणियों में भोजन संबंध, जिसका अध्ययन हम खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड द्वारा करेंगे। दूसरा, सजीव और निर्जीव घटकों के बीच निर्भरता, पौधों और जंतुओं के जीवन पर मिट्टी, हवा, पानी, जलवायु, मौसम आदि का प्रभाव, जिसका अध्ययन हम पदार्थों के चक्र द्वारा करेंगे। ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन हम इन 2 आधारों के सम्मिलित स्वरूप में करने का प्रयास करेंगे। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, पदार्थों का चक्र, पर्यावरण के घटकों में अंतर संबंधों को दर्शाने के लिए प्रारूप मात्र है, जिनसे हम किसी क्षेत्र विशेष के विविध जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रारूप हमें अनुमान लगाने व अलग अलग क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करने में मदद करते हैं। अध्ययन संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए क्रियाकलाप 1 जैसे तरीकों को अपनाया जाता है।